नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। मार्केट्स दिन के उच्चतम स्वरूप के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। 64 अंकों की बढ़त लेकर इंडेक्स 8656 के लेवल्स पर है। एसबीआई के नंबर्स आए कुछ देर पहले और नंबर्स के बाद अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। रुक करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, लेकिन सीधे चलते हैं यहां से रजत के पास और जान लेते हैं कि आज मार्केट में कामकाज कैसा हुआ। कैसा रजत अब तक का एक्शन? बिल्कुल जोरदार तेजी में मार्केट। सुबह से ही एशियन मार्केट्स का स्ट्रांग ट्रिगर था, उनकी सभी क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आई और इंडियन मार्केट्स के चलते चल गए। 8650 के लेवल के ऊपर टिकने की कहीं ना कहीं कोशिश है, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर। साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे, 9% शेयर में इजाफा और स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन, क्योंकि जीएनपीएस एनपीएस के फ्रंट पे डिसअपॉइंट नहीं किया बैंक ने, उसका एक पॉजिटिव ट्रिगर। आज जोरदार तेजी और एबी नूवो ग्रासिम रीस्ट्रक्चरिंग पर अब इंडस्ट्री वॉइस बहुत स्ट्रांग हो गई। ऐसा कैसे हो गया कि शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान नहीं रखा गया और ये मर्जर डील सामने निकल के आई? उसमें पहले स्टॉक्स चल पड़े थे डील से कवर से पहले, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक बात निकल के आ रही है मार्केट पे। बैंक, पीएसयूज, मेटल, कैपिटल गुड्स, इन सभी स्टॉक्स पे आज के सत्र में तेजी देखने को मिली और ये बस कर रहे हैं सभी सेक्टर्स। इनफैक्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन है आज के सत्र में और आज की लिस्टिंग 8% के रिटर्न दिए। एसपी अपैरल्स की ठीक ठाक लिस्टिंग होती हुई नजर आई और अभी भी दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। जी, तो अच्छी खरीदारी आज बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है और क्रेडिट जाता है एसबीआई के अर्निंग्स को। एसबीआई के अर्निंग्स के आने के बाद ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा गया। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर जोरदार एक्शन है और जिन पर हम अगले घंटे में बातचीत करेंगे भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.5% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एबी नूवो 17% अभी भी कमजोर है और ग्रासिम लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है लेकिन कंसर्न्स काफी हैं यहां पर। आप देखिए आज कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बैंक दिखी है। अटलांटा सुबह से मजबूत है, अभी भी 16% का इजाफा लेकर कामकाज कर रहा है। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, यहां भी स्ट्रेंथ सुबह से देखी जा रही है, अभी भी 10% की तेजी लेकर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जेके टायर, यस बैंक, टाटा मोटर्स भी कुछ और स्ट्रॉन्ग मूवर्स हैं आज के सेशन के। जी बिल्कुल, और कुछ स्टॉक्स जहां पर दमदार रिटर्न्स मिले उसमें एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, हिंडाल्को के नतीजे है उसके बाद 2.5% ऊपर है। एसीसी, पीएसयू स्टॉक्स बास्केट में यहां पर खरीदारी हो रही है हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में और बैंकिंग तो वैसे ही बस कर रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, कैनरा बैंक उसमें लीड कर रहा है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, एप्टेक, तलवलकर्स अब 10% के स्ट्रॉन्ग गेंस के साथ आज की मार्केट पर क्वालिटी और जैसे मैंने बात की एसपी अपैरल्स, आज की लिस्टिंग फिलहाल 8% ऊपर है। जी, राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान, उनसे कमेंट लेते हैं। राकेश, आज इंडेक्स ने अच्छी शुरुआत दिखाई है और इम्पोर्टेंट ये है कोशिश कर रहा है 8650 के ऊपर ही बने रहने की। अभी आउटलुक आपका क्या रहेगा मौजूदा लेवल्स पर और अगर किसी को स्ट्रेटेजी इंडेक्स पर कैरी करनी हो नेक्स्ट वीक के लिए तो क्या करनी चाहिए और अगर हाँ तो क्या बायस रखें? गुड आफ्टरनून दीपाली। दीपाली, डेफिनेटली स्ट्रेटेजी कैरी करनी चाहिए और स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, मार्केट में लॉन्ग ही जाना चाहिए। आज जब स्टेट बैंक के नतीजों के बाद स्टेट बैंक में इतना बड़ा इजाफा देखने को मिला है, बैंकिंग, बैंक निफ्टी का भी रुझान पॉजिटिव हो रहा है, आईटी सेक्टर भी अच्छी एक्युमुलेशन से निकल रहा है, निफ्टी में भी नीचे में एक अच्छा बेस है और 8650 के ऊपर हम कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे हैं। मुझे लगता है 8800 के टारगेट को दिमाग में रखते हुए मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए और कैरी करना चाहिए। राकेश, जैसे आपने बात की बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे, उसमें मैनेजमेंट थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बयान देगी वो तो सुनेंगे क्लोजली, लेकिन एसबीआई जिस तरीके से आज बढ़त शो कर रहा है 8% की तेजी इस कैलेंडर ईयर के उच्चतम स्तर पर, क्या यहां से अभी और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है? कहां तक के टारगेट्स रख के चलें अगर यहां खरीद लिया तो? देखिए रजत, स्टेट बैंक के अंदर आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और टेक्निकली आप देखें तो मौजूदा स्तरों से भी एक रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली 255-56 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एक 10-12 रुपए की रैली मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। जी, इनफैक्ट सुबह हम बातचीत कर भी रहे थे कि 230 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको पार करता है 237 तक जाने की कोशिश करता है तो मजबूती और स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और आप देखिए अच्छे नतीजों के बाद वो मच नीडेड ट्रिगर मिला है एसबीआई को और एसबीआई ने पूरे ही सरकारी बैंकों के खेमे को अगर आप देखेंगे तो एक जोरदार मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। एसबीआई ने, आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में भी 8% की जोरदार मजबूती भी देखी जा रही है, लेकिन यहां से सीधे रुक कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सब्सिडियरीज, एज यू नो मिस्टर खरा वॉज अर्लियर हेडिंग आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, नॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड। सो ही हैज जस्ट जॉइंड अस एंड होपफुली ही विल हैव अ लॉन्ग स्टिंट इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। So I would now request the CFO to make take you very quickly through the numbers, after which of course we will be open to take all the questions that you may have. Good afternoon. We'll begin with the business slides. The deposit franchise of the State Bank of India remains very strong. Whole bank deposits have grown by 10.46%. Domestic deposits have gone up by 11.42%, and the good thing is that the deposit growth is driven by
14.29% CASA growth and retail term deposits have also grown very well. Resultantly, our CASA ratio is up by 108 basis points year on year. Loan growth is driven mainly by retail advances, also by large corporate. Yeah. So advances growth has gone up by 11.41%. As a result, our market share has gone up by 32 basis points to 16.13%. The corporate growth has gone up by 13.01%. Large corporate growth is 20% of this and mid corporate is 4%. Retail growth continues the traction at 20.34% year on year. SME has gone up by 4.3%, agri by 7.58%, and foreign offices growth has gone up by 7.74%. Home loans constitute nearly 60% of our retail loans. 20.71% is the year-on-year growth, and we have increased our market share by 50 basis points to 25.55%. Auto loans growth is close to 20%, and the market share remains very healthy at 25.38%. Interest income has gone up by 4.92% year-on-year. Interest expenses have also remained muted at 5.29% growth. As a result, net interest income has gone up by 4.23%. Other income has gone up very healthy by 44.16%. As a result, our operating income growth is up by 15%. Cost to income ratio has declined by 216 basis points year on year from 51.10% last year to 48.94% this year. Staff expenses have been very well contained at 5.93% growth. Overheads have gone up by 16.85%, largely driven by our investments in ATMs, technology, POS machines, etc. Operating expenses have as a result gone up by 10.14%. This is the breakup of the operating profit provisions and net profit. Operating profit, as you can see, has a very healthy growth of 20.12% year on year. Provisions have gone up by 58.87%. Of the total provisions of 8,533, our tax provisions are of 1,120 crores and the remaining are standard asset and loan loss and some other provisions, miscellaneous provisions. Net profit has come down by 31.73% year on year. However, quarter on quarter from March quarter, our net profit is up by nearly 100%. Our yield on advances has declined to 9.55% as a result of declining interest rates. Our base rate has come down by 70 basis points year on year. And all, however, our cost of deposit has also come down to 5.98%, driven by a very healthy CASA growth of 14.29%. Net interest margin for the domestic has come down by 20 basis point year on year, and sequentially it has come down by 18 basis point. IBG has, however, improved their NIM both year on year and sequentially. As a result, whole bank NIM has come down by 13 basis points sequentially from March 14. Our capital adequacy ratio has gone up to a very, very healthy 14.01% with a Tier 1 ratio of 10.82%. In June quarter, we have taken the revaluation of real estate assets with a 55% haircut as prescribed by RBI. That has also added to this healthy growth in capital. This slide gives the detailed movement of NPAs. Two, three points I want to highlight in this, that our fresh slippages were contained at 8,790 crores versus 30,000 crores in the fourth quarter. As a result, our slippage ratio is at 2.33%. Net increase in NPA is 3,368 crores versus 25,381 crores in fourth quarter. Our gross NPA has gone up by 44 basis points from March, whereas our net NPA has gone up by 24 basis points from March. As a result of
proactive provisioning, our provision coverage ratio has gone up by 88 basis points to 61.57 sequentially. This slide gives a snapshot of our very, very dominant market share that we have in our digital area. With more than 60,000 group ATMs, our market share in ATMs is 24.97%. The share in transactions, amount of transactions is more than 31%, number of debit cards 28.61%, debit card spends 22.70%. POS is something which I'd really like to highlight. We now have 3,16,764 POS machines in the market with a market share of 21.81%. तो आप SBI की मैनेजमेंट को सुन रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पूरे ही ऑटो सेक्टर के लिए, कार कंपनियों को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और दिल्ली में डीजल कार बेचने की इजाजत मिली है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये पूरे ही ऑटो सेक्टर के लिए। असीम अंचंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। असीम, बहुत बड़ी रिलीफ है, लेकिन एग्जैक्टली और क्या डिटेल्स है आपके पास और क्या कहा है कोर्ट ने ये राहत देते हुए? देखिए, पिछले साल दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डीजल गाड़ियों की 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियां उनको दिल्ली NCR में बेचने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, उनके रजिस्ट्रेशन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके खिलाफ जो है मर्सिडीज, टोयोटा और जो सियाम है उसने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप इस बैन को जो है हटा लीजिए, किससे हमको नुकसान जो है वो हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बैन हटाने की जो है उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन साथ साथ ये कहा है कि जो भी कंपनियां हैं या उनको है 1% के आप जो है कार की वैल्यू का टैक्स जो है वो चुकाना होगा, पब्लिक सेक्टर है उनको चुकाना होगा, कार की जो टैक्स और कीमत होगी इसके ऊपर 1% का टैक्स जो है वो चुकाना होगा। और ये टैक्स जो है इसका एनवायरमेंट के ऊपर जो है एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज जो है इसको कहा जाएगा और एनवायरमेंट की दोबारा से, यानी आपने कहा है कि कोर्ट ने 1% एनवायरमेंट सेस चुकाने की बात कही है, लेकिन वैसे जो बैन लगा था उसे पूरी तरीके से हटा दिया है। जी हाँ, तो पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी डीजल गाड़ियों का बैन जो है वो हटा दिया था, क्योंकि 500 रुपए की कहा था कि 2000 डीजल गाड़ियां उनके ऊपर बैन जो है वो काम रहेगा। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई जो है पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो डीजल कार डीजल कार निर्माता है वो अपनी कार जो है बेच पाएंगे। चलिए, जो 1% यानी कि ये बड़ी खबर है कि जो डीजल गाड़ी पर बैन लगा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा लिया है, शर्त रखी है कि 1% सेस चुकाएं कंपनियां, एनवायरमेंट सेस चुकाएं और उसके बाद वो डीजल गाड़ियां बेच सकते हैं। टोयोटा मर्सिडीज जैसी कंपनियों ने कहीं ना कहीं एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था टोयोटा का, खुद का घाटा देखे तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास का था। इनफैक्ट रजत, कल ही तो बात हो रही थी जो आरसी भार्गव की ओर से स्टेटमेंट आए थे कि जो डीजल कार बैन है वो पूरे ही ऑटो सेक्टर पर वे कर रहा है, जो कस्टमर्स है वो अनसर्टेन हो रहे हैं, आरसी भार्गव ने भी आगे आके ये बात कही थी, तो डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। असीम, अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, टोयोटा और मर्सिडीज ने ये अर्जी जो थी ये दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने हवाला दिया था कि बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिलेगा, 1700 करोड़। टोयोटा ने खुद कहा था कि उनका बिजनेस जो है वो लूज कर चुके हैं इस बैन के चलते। कितना बड़ा रिलीफ समझें अब ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, खासतौर से M&M जैसे टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो मारुति है उसने भी कल कहा था कि जो डीजल कार के ऊपर क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर उनको जो है काफी नुकसान हो रहा है। तो टोयोटा ने भी इस बार अपना लॉस जो है वो दिखाया था, टोयोटा का ये कहना था कि डीजल कार पर जो बैन लगा है उसकी वजह से हमको 700 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो भारत में उठाना पड़ा। तो ये एक राहत होगी जो भी कंपनियां जो है तो इस सेगमेंट के अंदर है, 700 रुपए की मर्सिडीज है इसके अंदर, टोयोटा है डीजल में, BMW जो है 2000 सीसी से जो है अभाव करती है, महिंद्रा की कई गाड़ियां जो है वो 2000 सीसी में अभाव करते अभाव है। तो इन सारी कंपनियों को जो इसका फायदा होगा, क्योंकि ये अभी तक दिल्ली NCR में रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करा पा रहे थे। साथ साथ ये बता दूं कि ये दिल्ली NCR एक बहुत बड़ी मार्केट है इन कंपनियों के लिए, और जब क्लैरिटी नहीं थी तो लोग भी बायर्स जो थे वो भी इनको नहीं खरीद रही, क्या पता इनको नहीं। पर असीम, एक ये भी प्रॉब्लम हो गई कंपनियों के साथ, कंपनियों को कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी इस बहुत बड़े विवाद के चलते। मारुति से जब भी बात हुई तो उनका यही कहना था, इनफैक्ट गलसी साहब का भी यही कहना था कि उनकी जो अब पकड़ है वो पेट्रोल गाड़ियों पे डिमांड ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है और पेट्रोल सेगमेंट वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं डीजल के बनस्पत। तो कहीं ना कहीं डीजल कार की मांग इतनी स्ट्रांग नहीं है, ग्राहकों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ये इन्वेंट्री खत्म करने की एक होड़ तो नहीं लग जाएगी अब ऑटो कंपनियों में?
ठीक है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कंपनी इन्वेंट्री जो है वो कम वो खत्म करेगी, लेकिन हाँ ये कि बायर्स के ऊपर एक फेस हो जाएगा कि हाँ उन्होंने ग्रीन सेट जो है वो चुका दिया और आसानी से अपनी गाड़ियां जो है वो चला सकते हैं। कंपनियां जब तक बेच नहीं पा रही थी वो कंपनी जब आसानी से बेच पाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कंप्रिहेंसिव बैन था, पहले ये भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर बैन किया जो है वो ना कर दे, क्योंकि इसको देखा देखिए बाकी जो एनजीटी ने भी इस तरह के ऑर्डर दिए थे, कोची एनजीटी ने भी इस तरह का ऑर्डर दिया, लेकिन अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन जो है वो आ गई है कि हाँ कंपनी गाड़ियां जो है बेच पाएगी, तो आसानी से कंपनियां चिंता की अभी तक इन्वेंट्री बढ़ा हुआ था तो यानी असीम अब सौकी बात है कि दिल्ली में डीजल कारें जो है वो बिकेंगी। जी हाँ, 2000 सीसी से अबव की गाड़ियों पर रोक थी, उससे नीचे की गाड़ियों पर किसी तरह की रोक नहीं थी, लेकिन 2000 सीसी से अबव की गाड़ियां थी, इसमें की टोयोटा के बीएमडब्ल्यू के कई मॉडल थे, महिंद्रा के कई मॉडल थे, तो उनको एक राहत मिली। जी जी, यानी 2000 सीसी से ज्यादा की कैपेसिटी की जो डीजल कार्स है उन पर ग्रीन सेस देना होगा 1% का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। और एक बड़ा असमंजस बना हुआ भी था कि जो डीजल व्हीकल्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, एक बड़ा डिबेट इस पे हुआ भी था, और अब फाइनली जो क्लैरिटी मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है वो इसे बहुत नेगेटिव वे में देख भी रही थी, वो ये मान भी रहे थे कि जॉब क्रिएशन के लिहाज से हो या फिर ऑटो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिहाज से देखें तो जो डीजल कार्स पर बैन की बात सामने आई है वो सही डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए कल हम बात कर भी रहे थे, मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा भी था कि एक अनसर्टेनिटी कस्टमर्स के मन में बनी हुई है इस बैन के मद्देनजर, और कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ पर एक हैवी टोल ले रही है। लेकिन आप देखिए स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ज्यादा इंपैक्ट होने वाला स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसीलिए आप देखिए एकाएक इसमें बाइंग आते हुए दिखिए और स्टॉक अब करीब 3% ऊपर आ चुका है। टाटा मोटर्स सुबह से स्ट्रांग था, ये दो ऐसी कंपनियां हैं लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस जो कि डायरेक्ट सरोकार रखते हैं इस डेवलपमेंट की ओर से, और साथ ही अगर आप देखेंगे मारुति सुजुकी को तो यहां भी एक स्पाइक आते हुए दिखा, 1% की बढ़त देखी जा रही है। कुणाल दायबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, कुछ देर में जब फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे हमारे साथ तब उनसे भी बातचीत करेंगे। कुणाल, अभी ऑटो स्टॉक्स की बातचीत हो रही है, खबर आई है जिसकी वजह से एक रिएक्शन स्टॉक्स में देखा भी जा रहा है, डेफिनेटली पूरे ही ऑटो सेक्टर के लिए ये काफी रिलीफ भरी खबर है, लेकिन अगर इन स्टॉक्स के बिहेवियर को हम देखें तो मारुति सुजुकी हो या फिर टाटा मोटर्स हो, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, डिस्पाइट रनअप के बावजूद भी ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं कर रहे हैं। आपका अभी टेक्निकल अप्रोच इन शेयरों को लेकर क्या है, कौन सा स्टॉक है जो रीसेंट रनअप के बावजूद भी आप चुन रहे हैं? कृणाल दायमा नहीं है इस वक्त हमारे साथ, राकेश आपके कमेंट्स। देखिए, अगर आप दीपाली ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नीचे से क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मारुति के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इस खबर के चलते आप देखें तो इंडेक्स के अंदर भी एक बाइंग देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है अगर स्पेस में दाव लगाना है तो मारुति के साथ जाना चाहिए। एमएडएम कैसा लग रहा है सर? नतीजों के बाद थोड़ा ड्रॉप जरूर देखने को मिला था, लेकिन अब आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस और खबर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो इसी स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। आज 3% की तेजी है, यहाँ से तेजी और बढ़ेगी क्या? बिल्कुल रजत, तेजी बढ़ सकती है। इसका एक कारण है कि नतीजों के बाद स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव क्रैक देखने को मिला था और उसके चलते काफ़ी शॉर्ट्स भी बिल्ड हुए थे और वो सब ट्रैप हुए हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो मारुति का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि ज़्यादा इजाफा इसके अंदर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली मैं मारुति को बाय करना चाहूंगा जी, लेकिन अच्छी खबर पूरे ही ऑटो सेक्टर के लिए। मारुति सुजुकी और एमएनएम एक इंस्टेंट रिएक्शन दिखा रहे हैं इस खबर के बाद। मारुति सुजुकी निचले स्तरों से एक स्पाइक लेते हुए अब 1% ऊपर आ चुका है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब 3% की मजबूती देखी जा रही है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2015 को ये बैन लगा था, उसके बाद से ये पूरा डिबेट का मुद्दा बना हुआ था, लेकिन एक बड़ी रिलीफ, पूरे ही ऑटो इंडस्ट्री इसके अगेंस्ट में थी, तमाम जो ऑटो बॉडीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ एक अपील भी की थी, और कई कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में अपील की थी, फिर चाहे वो टोयोटा हो या फिर मर्सिडीज हो, टाटा मोटर्स ने भी इनफैक्ट अपील की थी, और एक बड़ा रिलीफ डेफिनेटली इस पूरे स्पेस के लिए है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 2000 सीसी से ज्यादा की कैपेसिटी के जो डीजल कार्स पर बैन था वो रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। अगर 2000 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी का इंजन कैपेसिटी की अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो 1% का ग्रीन सेस आपको चुकाना होगा, लेकिन डेफिनेटली एक रिलीफ इस पूरे ही स्पेस के लिए ये है। इनफैक्ट रजत, हमने देखा भी कि अब ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डिमांड इंप्रूव हो रही थी। एक ये 2000 सीसी डीजल कार का जरूर एक इशू था, लेकिन अब ये भी क्योंकि क्लियर हो गया है तो डेफिनेटली जो प्रोस्पेक्ट्स है यहां से आने वाले क्वार्टर्स के वो शायद और ब्राइट हो। लेकिन फर्क देखिए शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा एनकरेजिंग नहीं देखने को मिला, क्योंकि एमएनएम टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स से अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है और कोई ऐसा फंडामेंटल
ट्रिगर नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर ऊपरी सिरों पर बिकवाली होती हुई नजर आई, लेकिन हाँ ये जब आरसी भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री पे वे कर रहा है ये इश्यू, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक हुआ है। ये जो डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसीजन लिया था जब उन्होंने बरकरार रखा था इस बैन को, तो कहीं ना कहीं पूरी ऑटो इंडस्ट्री पर यह वे कर रहा था। और आरसी भार्गव का कहना था कि यहाँ पर साफ तौर पर ये इशू जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। टोयोटा और मर्सिडीज ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, 1% सेस लगाने की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहीं ना कहीं उस मांग को मंजूर कर लिया है। तो 1% अतिरिक्त सेस दें, ग्रीन सेस दें 2000cc मॉडल से ऊपर की डीजल गाड़ियों पे, और उसके बाद आप डीजल गाड़ियां बेच सकते हैं दिल्ली पे। इंपैक्ट देखिए, M&M 2.5% की स्ट्रॉन्ग बढ़त, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बढ़त देखी जा रही है इस पूरी ही ऑटो स्पेस में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। इनफैक्ट हमने बैंक्स पर कमेंट लिए भी नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स में SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी शेयरों में एक जोरदार मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये सारा ही स्पेस ट्रेड कर रहा है। साथ ही आज के सेशन में कुछ और स्टॉक्स को देखें एक बार आप, फाइनेंशियल स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देख लेते हैं, LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, इसके अलावा अगर आप कैनफिन होम्स, रेपको होम फाइनेंस देखेंगे, HDFC लिमिटेड देखेंगे, एक जोरदार मूव लेकर ये पूरा स्पेस ट्रेड कर रहा है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर आ चुके हैं। राकेश, LIC हाउसिंग अपने फ्रेश 52 वीक्स पर आज ट्रेड कर रहा है, दीवान हाउसिंग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ये स्टॉक्स एक डार्लिंग सेक्टर ही रहा है बीते 6 महीने में और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन टेक्निकली आज के रनअप के बावजूद भी आपको शेयर कौन सा अच्छा लग रहा है? देखिए टेक्निकली दीपाली, दीवान हाउसिंग की बात करें तो वो काफ़ी दिनों से रनअप दिखा रहा था, और जबकि LIC हाउसिंग की बात करें तो आज ही के दिन स्टॉक ने नया ब्रेकआउट दिखाया है, अनचार्टेड टेरिटरी पे आया है। LIC हाउसिंग मुझे अच्छा लगता है, जिसके पास है पोजीशन को होल्ड करे, एल्स कोई नई पोजीशन लेना चाहता है तो मार्केट की करेक्शन में स्टॉक को बाय करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके की तेजी है आज मार्केट पे, कुछ स्टॉक्स जो है वो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसमें एक स्टॉक है एटलांटा, ये लगातार चढ़ रहा है नतीजे के बाद। अगर आप राकेश यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर देख पाए, देखिए ऑलरेडी तेजी बन गई है, 35-38% के आसपास की तेजी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आ गई है, लेकिन जो रिजल्ट्स टर्न अराउंड स्टोरी बनी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इस हफ्ते की क्लोजिंग क्या बता रही है टेक्निकल चार्ट पे, अगले हफ्ते चढ़ेगा क्या? देखिए रजत, जैसे आपने राइटली मेंशन करा, 2 दिन में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल चुका है, 70 रुपये के ऊपर स्टॉक चल रहा है। देखिए नई खरीदारी करते हैं तो ट्रेडिंग के नजरिए से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, किसी के पास पोजीशन है तो मेरा ऐसा मानना है 75-77 के लक्ष्य बनाकर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए जी। लेकिन कुछ और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा मूव आज के सेशन में दिया है। शुगर स्टॉक्स तो डेफिनेटली मूवर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पायनियर इंडस्ट्रीज को अब 20% ऊपर 126 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बाइंग दिखी है और एटलांटा अगर आप देखेंगे तो 17-18% की मजबूती लेकर 71 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ये वो चुनिंदा शेयर्स जो कि सुबह से मजबूत हैं और अभी भी अपने स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। एक आप देखिए फेडरल मॉगल, यहां भी अच्छी मजबूती देखी जा रही है। लेकिन एपटेक पर कमेंट ले लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक ऐसा रहा है जिसने इस पूरे ही हफ्ते एक अच्छा अपट्रेंड दिखा है, 6.5% का उछाल अभी भी स्टॉक में देखा जा रहा है। राकेश, एपटेक कैसा लग रहा है? इस हफ्ते एक अच्छा मूव आया, कोशिश कर रहा है ये 98 लेवल से बियॉन्ड जाने की, लेकिन निकल नहीं पाया है अभी, स्ट्रेटजी क्या है आपकी? देखिए दिवाली एपटेक के लिए ऊपर में 103 से लेकर 107 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, नीचे से एक अच्छी रैली देखने को मिली है। नया निवेश मौजूदा स्तरों पे नहीं करना चाहिए, गिरावट में बाय करना चाहिए। किसी ने अगर ट्रेडिंग पोजीशन निचले स्तरों से बनाई है तो 103-105 के अराउंड मुनाफे को बांधना चाहिए। आपके हिसाब से जो कि बाजार ऑलरेडी देखिए इस हफ्ते ऊपरी स्तरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था जो आज के सत्र में थोड़ा रिलीज हो गया, राकेश जी आपके रडार पर कोई 2 स्टॉक्स बताएं जहां पर आप समझते हैं खरीदारी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन मिल सकती है अगले एक हफ्ते में? देखिए एक तो मुझे मारुति काफी अच्छा लग रहा है जो कि अभी रडार पे आया और इस खबर के बाद इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। एल्स IT स्पेस के साथ जाना चाहिए, IT स्पेस में TCS काफी बेहतरीन लग रहा है, हालांकि आज की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है बट मुझे लगता है अगले सप्ताह एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। TCS को 2629 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए 2800 के टारगेट के लिए। दूसरा HCL टेक पे दाव लगाना चाहिए 805 के स्टॉप लॉस के साथ 855 के टारगेट के लिए जी। लेकिन राकेश फार्मा पर भी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा छोटे फार्मा शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस पूरे ही हफ्ते अच्छा रुझान दिखा और एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जुबिलेंट लाइफ का, 5.5% ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है 382 के लेवल्स पर। जुबिलेंट लाइफ पर खास तौर से आपके कमेंट क्या है और अगर फार्मा से ही कोई ट्रेड कैरी करना हो नेक्स्ट वीक के लिए तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? देखिए जुबिलेंट लाइफ का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, आज ही के सत्र में 370 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 400 के लक्ष्य के लिए। राकेश आपको रोकना चाहेंगे, जगदीश खट्टर हमारे साथ मौजूद है कार्नेशन से, उनसे बातचीत करते हैं। जगदीश जी नमस्कार, सबसे पहला रिएक्शन आपका, काफी एक डिबेट हो रही थी कि क्या फ्यूचर होगा डीजल कार्स का दिल्ली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं देखिए ये तो बहुत अच्छा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या रीजन है और उसका क्या फायदा होगा,
लेकिन एक ये क्लैरिटी जरूर चाहिए कि उनका अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ नई गाड़ियों को कर दिया है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने वो भी डीजल की गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ आदेश देते रहते हैं। अब वहां से भी क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि जैसे 6-8 महीने से 10 महीने से मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है और कस्टमर्स काफी कंफ्यूज हैं। सर, इसी कंफ्यूजन पे मेरा सवाल होगा, कितना इफेक्ट पड़ा है डीजल गाड़ियों की बिक्री पर? अगर हम एग्रीगेटेड सेल्स देखें पिछले महीने की या फिर पिछले एक क्वार्टर की, तो उसमें डीजल गाड़ियों के बिक्री में कितना ड्रॉप आया? देखिए, डीजल गाड़ियां कम हुई हैं, कहां 45-50% होती थी, अब 30-32 में आ गई हैं, लेकिन उनकी जगह पे पेट्रोल की गाड़ियां बिक गई हैं। लेकिन जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास डीजल मॉडल ज्यादा थे उनको नुकसान हुआ, और जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास पेट्रोल मॉडल ज्यादा थे उनको फायदा हुआ। तो दो चीजें होती हैं, एक तो टोटल मार्केट कितनी बिकी है, दूसरी है कि किसको नुकसान किसको फायदा, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर। जी, इनफैक्ट जगदीश जी, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही था। और अगर आप बीते 8-9 महीने की बात करें, ऑलरेडी डीजल और पेट्रोल की प्राइसिंग में क्योंकि डिफरेंस कम हुआ था, इसकी वजह से ऑलरेडी जो डिमांड थी वो थोड़ी सी इफेक्ट हो रही थी, और उसके बीच में जब ये बैन लगा तो उसने सेंटिमेंट जरूर बिगाड़े थे। एनजीटी की ओर से हालांकि अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है, वो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जरूर है, लेकिन क्या अब सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए पोस्ट दिस डेवलपमेंट? कुछ लोगों, कुछ गाड़ियों का होगी, जैसे जो हैं डीजल में उनकी होगी, लेकिन जिन लोगों के पास अभी भी ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल, अभी भी कस्टमर सोचेगा पता नहीं आज है कल फिर कोई ना कोई कर दे। आप समझिए ना, किसी ने गाड़ी ली है उसको अगर यही डर लगा रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन कुछ गाड़ियां तो बिकेंगी जो बिल्कुल बिकी नहीं रही थी। राइट, जगदीश जी, तो कंपनियों की स्ट्रैटेजी बताएं, क्योंकि अभी तक जिन भी हमने कॉर्पोरेट से बात की है, ऑटो मैन्युफैक्चरर से बात की है, उनकी पॉलिसी जो है वो बदली है और बायस कंप्लीटली पेट्रोल की तरफ आता चला जा रहा है, तो क्या रणनीति अब बिल्कुल स्विच हो चुकी है और डीजल कारों के बजाय पोर्टफोलियो पेट्रोल पे शिफ्ट होता चला जाएगा? ऑटो ऐसा नहीं होगा, जिन लोगों के पास डीजल खाली डीजल था उन्होंने पेट्रोल इंट्रोड्यूस कर दिया या कर रहे हैं, अब वो जो 100% डीजल थे वो दोनों रखेंगे बैलेंस करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी उनकी यही होगी कि पहले एक ही चीज में डिपेंड करते थे, अब दोनों करेंगे, जिससे कि फिर आगे जाके शॉक ना लगे। लेकिन एंड ऑफ द डे तो फिर कस्टमर तय करेगा ना उसको क्या चाहिए, उसी के मुताबिक वो करेंगे। जी, साथ ही जगदीश जी, जो आपने बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी भी जो समंजस है वो बना रहेगा कस्टमर के मन में कि आज लगा है अभी हट गया है फिर दोबारा ना लग जाए। लेकिन एक डर ये भी था पूरी ऑटो इंडस्ट्री में कि अभी तो 2000 सीसी के डीजल वैन की आप बात कर रहे हैं, कहीं एक्सटेंड होकर दूसरे स्मॉलर डीजल इंजन पर ना जाए, तो ये सेंटिमेंट्स भी थोड़ा सा पूरी डीजल कार की ओर थोड़े से जो सेंटिमेंट्स थे वो नेगेटिव कर रहे थे। लेकिन भले ही शायद थोड़ा समय लगे डीजल कार की डिमांड रिवाइव करने में, लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए क्या इस पर्सपेक्टिव से इसे राहत की खबर देख सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने अपनी फर्दर प्रोडक्शन तक को भी होल्ड कर दिया था लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से? नहीं, अब तो जरूर थोड़ा सा तो क्लैरिटी आ गई है, और जिन लोगों को बिल्कुल ही बहुत असर पड़ा था वो फिर वापस आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि उनको फायदा होगा जिनका बिल्कुल ही काम बंद हो गया है, लेकिन जिनके पास अभी बैलेंस है, पेट्रोल भी है डीजल भी है, तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कस्टमर का क्या रिएक्शन है। देखिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस अगर चला जाता है और वो कस्टमर ये सोचता है आज है कल फिर कोई कोट कर देगा, जैसे आप कह रही हैं 2000 सीसी से कम भी कर दें, अब मालूम नहीं कौन जज का, अब केरला में भी सुना है, वहाँ तो उन्होंने कहा है कि सड़कों पर भी नहीं चल सकते, बड़ी गाड़ियां सड़कों पर भी नहीं चल सकती, अब क्या बताएं इसका, कौन कहाँ से क्या तार डिसीजन लाते हैं, बहुत बहुत मुश्किल वाली बात। चलिए, कंज्यूमर का दोबारा से सेंटिमेंट रिवाइवल ये बहुत बड़ा इशू रहेगा इंडस्ट्री के लिए। बहुत शुक्रिया जगदीश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इशू पे बात करने के लिए। राकेश जी, आपके पास वापस आता हूं, एमएनएम पे बात कर ली, मारुति सुजुकी बात कर ली, एक स्टॉक देखिए फोर्स मोटर्स, ये कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए, टेक्निकली एक बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे से एक अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी, किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नए निवेश की सलाह तो मौजूदा स्तरों पर नहीं दूंगा। जी, तो फोर्स मोटर्स ऑलरेडी काफी चलन अब दिखा चुका, और देखिए हमने फोर्स मोटर्स अब तक देखा नहीं था, लेकिन रिएक्शन फोर्स मोटर्स पर भी आया है, 67 रुपीज ऊपर भी आ चुका है, 2.25% के गेंस लेकर 3152 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है।